जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। BEL इसराइल के लोरा मिसाइल सिस्टम्स को स्वदेशी तौर पर करेगी भारत में मैन्युफैक्चर। LOC पर इंडियन ट्रूप्स ने एक बड़ी घुसपैठ को किया नाकाम। इंडियन आर्मी के फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स में इक्विप्ड होंगी US की जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स। इंडियन एयरफोर्स का समर एयर डिफेंस सिस्टम इंडक्शन के लिए तैयार। और चीन ने US फर्म्स लॉकहीड मार्टिन और एथियन पर लगाया प्रतिबंध। एयरो इंडिया शो के दौरान भारत की नवरत्न डिफेंस PSU, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इसराइल की इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, तो इन दोनों कंपनीज के बीच इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए लॉन्ग रेंज अटैक वेपन सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में लोरा वेपन सिस्टम, तो इसे अब BEL भारत में ही स्थानीय तौर पर मैन्युफैक्चर और सप्लाई करेगी। और IAI और BEL के बीच एक वर्क शेयर एग्रीमेंट साइन हुआ है। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो ये लोरा है, ये एक सी टू ग्राउंड और ग्राउंड टू ग्राउंड सिस्टम है, जिसमें एक लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, यूनिक लॉन्चर, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और ग्राउंड और मरीन सपोर्ट सिस्टम शामिल रहता है। और ये मल्टीपल रेंज पर बैलिस्टिक असॉल्ट कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करने में सक्षम है। और ये एक तरह से टैक्टिकल मिसाइल है, जिसे सार्वजनिक रूप से सबसे पहले 2006 में रिवील किया गया था। और इसकी फायरिंग रेंज लगभग 250 से 300 किलोमीटर तक है। और इंडियन आर्मी की तरफ से भी इस वेपन सिस्टम पर पहले भी इंटरेस्ट दिखाया गया था। अब बाकी BEL द्वारा जो वेपन सिस्टम्स भारत में स्थानीय तौर पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, तो उनमें स्वदेशी कंटेंट कितना रहने वाला है, तो इसके बारे में तो फिलहाल इसकी कोई इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिली है। लेकिन ये जरूर कहा गया कि ये एग्रीमेंट भारत की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ अलाइंड है। और जबकि BEL ऑफिशियल्स के मुताबिक ये लोरा वेपन सिस्टम ऑलरेडी इंडियन नेवी द्वारा डिप्लॉय भी किया जा चुका है। इसके अलावा भारत फोर्ज और ग्लोबल एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी के बीच भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिसके तहत भारत फोर्ज मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स के लिए कंपोजिट रोटर ब्लेड्स, मिशन सिस्टम और स्टोर्स मैनेजमेंट सिस्टम्स को बनाएगी। कल रात को जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में LOC के साथ फॉरवर्ड एरियाज पर इंडियन आर्मी द्वारा घुसपैठ के प्रयासों को नाकाम किया गया है। और इस मामले पर जारी की गई ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड में तैनात आर्मी ट्रूप्स ने LOC के पार 3 आतंकियों की मूवमेंट को डिटेक्ट किया था, जो कि LOC की फेंस की तरफ बढ़ रहे थे। और फिर जिसके बाद आर्मी ट्रूप्स ने उन आतंकियों को चैलेंज किया और जिसके चलते आतंकी और अलर्ट ट्रूप्स के बीच एक इंटेंस फायर फाइट शुरू हो गई, और जिसके परिणाम स्वरूप घुसपैठ करने वाले 3 आतंकियों में से एक को वहीं पर ही ढेर कर दिया गया, जबकि बाकी काफी गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन जो घायल आतंकी थे वो किसी तरह से POJK में वापस भागने में कामयाब रहे। और फिर इस मुठभेड़ के बाद आज सुबह एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, और इस ऑपरेशन के दौरान उस ढेर किए गए आतंकी की बॉडी रिकवर कर ली गई है, जिसके पास से AK सीरीज राइफल, एक लाइट ऑटोमेटिक वेपन, 6 मैगजीन, 2 ग्रेनेड्स और काफी बड़ी क्वांटिटी में वॉर लाइक स्टोर्स रिकवर किया गया है। और रक्षा प्रवक्ता का यह भी कहना था कि LOC पर हो रही इस तरह की लगातार घुसपैठ की कोशिशें कश्मीर घाटी में आतंकवाद को अंजाम देने और शांति को बाधित करने के पाकिस्तान के प्रयासों की एक अजीब याद दिलाती है। और ये स्थिति भी तब है जब दोनों देशों के बीच एक सीज फायर एग्रीमेंट हो रखा है। भारत और जापान की आर्मीज के बीच थर्मा गार्डियन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का जो 4th एडिशन है, वो कल 17 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। और इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन आर्मी का कंटिजेंट ऑलरेडी जापान पहुंच चुका है, और जिसमें गढ़वाल राइफल्स के ट्रूप्स शामिल हैं। और जबकि इस एक्सरसाइज में जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की तरफ से उनकी मिडिल आर्मी से इन्फेंट्री रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रही है। इस एक्सरसाइज के दौरान दोनों देशों की आर्मीज अपने टैक्टिक्स, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स तो इन सभी को शेयर करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है, ये दोनों देशों की मिलिट्रीज के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाने में मदद करेगी। और इस दौरान संयुक्त रूप से प्लानिंग, टैक्टिकल ड्रिल्स तो इस तरह की अलग अलग एक्टिविटीज को प्रैक्टिस किया जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कल बुधवार को इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के बीच भी एक ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, जिसमें लैंड बेस्ड मैरिटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी की अलग अलग रेंज को डिस्प्ले किया गया। और इस एक्सरसाइज में एयरफोर्स के 430 MKI फाइटर्स और मिड एयर रिफ्यूलर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, और जबकि नेवी की तरफ से PATI लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और बाकी के मैरिटाइम एयर और सी एसेट्स डिप्लॉय किए गए थे। जबकि इसके अलावा एक अपडेट ये भी है, जिसमें बोइंग ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया कि इंडियन नेवी ने 6 और PATI पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। इसके अलावा jains.com की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, वो इंडियन एयरफोर्स के लिए अपने एडवांस्ड लॉयटरिंग सिस्टम यानी कि ALS-50 की 100 यूनिट्स डिलीवर करेगी। और इन लॉयटरिंग म्यूनिशंस की जो डिलीवरी है वो इस साल के अंत तक कम्प्लीट होने की उम्मीद है। टाटा का जो ALS-50 है, ये वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैपेबिलिटी वाला UAV है, जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्रूज कर सकता है, और इसका एंड्योरेंस टाइम 1 घंटे से अधिक का है। और रही बात इसके रेंज की, तो वो 50 किलोमीटर से ज्यादा है। और jains.com की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो लॉयटरिंग म्यूनिशन है, ये अपने साथ 6 किलोग्राम तक के एंटी पर्सनल और एंटी आर्मर वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है, और इसका मॉडल एयरो इंडिया में डिस्प्ले भी किया गया है।
jins.com की लेटेस्ट रिपोर्ट में BEL ऑफिशियल के हवाले से बताया गया है कि इंडियन आर्मी ने 5 QRSAM सिस्टम्स के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए हैं और BEL इन QRSAM सिस्टम्स की डिलीवरी 2024 तक कंप्लीट करेगी। और बाकी रिपोर्ट के मुताबिक हर एक QRSAM वेपन सिस्टम में एक रेजिमेंट कमांड पोस्ट व्हीकल होगा जो कि एक तरह से सिस्टम की ब्रेन की तरह काम करेगा। और जो ये रेजिमेंट कमांड पोस्ट व्हीकल है ये कनेक्ट होगा 3 बैटरी यूनिट से और हर एक बैटरी यूनिट में बैटरी कमांड पोस्ट व्हीकल और बैटरी सर्विलेंस रडार व्हीकल भी मौजूद रहेंगे। और जबकि हर एक बैटरी यूनिट 4 कॉम्बैट ग्रुप से कनेक्ट होगी। इसके अलावा jins.com की तरफ से कुछ और रिपोर्ट्स भी जारी की गई हैं, जिसमें से एक रिपोर्ट में लॉकहीड मार्टिन ऑफिशियल के हवाले से बताया गया है कि इंडियन आर्मी के जो फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स होंगे तो उन्हें लॉकहीड मार्टिन की जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी इक्विप्ड किया जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल के हवाले से बताया गया है कि जो समर एयर डिफेंस सिस्टम है उसका विकास कार्य पूरा हो चुका है और ये वेपन सिस्टम अपने इनिशियल प्रोडक्शन फेज में भी एंटर कर चुका है। और ऑफिशियल के मुताबिक इस सिस्टम का जो पहला बैच है जिसमें 5 समर 1 प्रोडक्शन यूनिट्स शामिल हैं तो ये इंडियन एयरफोर्स की मिसाइल यूनिट को डिलीवर करने के लिए तैयार भी है। और अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सिस्टम के और भी ऑर्डर्स प्लेस होने की उम्मीद है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि समर एक शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे इंडियन एयरफोर्स की 7 बेस रिपेयर डिपो और 11 बेस रिपेयर डिपो ने इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज सिमरन फ्लोटेक इंडस्ट्रीज और यामाजुकी डेंकी के एसोसिएशन के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया है। और इस समर एयर डिफेंस सिस्टम में समर की फुल फॉर्म है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। और इस एयर डिफेंस सिस्टम में रशिया की उन R-73 और R-27 मिसाइल्स को इस्तेमाल किया गया जिनकी शेल्फ लाइफ एक्सपायर हो चुकी थी। इसके अलावा एयरो इंडिया के दौरान DRDO ऑफिशियल्स की तरफ से प्रलय मिसाइल को लेकर भी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि ये मिसाइल अपने साथ 3 अलग अलग तरह के वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम होगी और ये 150 से 400 किलोमीटर तक की दूरी तक टारगेट्स पर स्ट्राइक कर सकेगी। और इसका इस्तेमाल दुश्मन के कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशंस कंप्यूटर्स इंटेलिजेंस एंड रडार इंस्टॉलेशंस एयरफील्ड्स ऑयल रिफाइनरीज एम्यूनिशन डंप्स तो इस तरह के वैल्यूएबल टारगेट्स को बिल्कुल सटीकता के साथ डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाएगा। बाकी DRDO ने अपने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का विकास कार्य भी पूरा कर लिया है और अब इसके ट्रायल्स स्टार्ट हो चुके हैं और आने वाले महीनों में ये सिस्टम करीब 10 और ट्रायल से गुजरेगा। US की एडवांस डिफेंस रिसर्च एजेंसी DARPA की तरफ से इस बात की अनाउंसमेंट की गई है कि उनकी एक मॉडिफाइड F-16 फाइटर जेट ने इतिहास में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल्ड टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया है। और इस टेस्ट के लिए जिन AI एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल किया गया तो उसे 3 वर्षों से भी कम समय में DARPA द्वारा विकसित किया गया है। और F-16 की जो आर्टिफिशियल कंट्रोल्ड फ्लाइट थी ये करीब 17 घंटे तक आयोजित की गई थी और इस दौरान कई अलग अलग तरह के एडवर्सरीज कंडीशंस में इसे टेस्ट किया गया है। और US ऑफिशियल्स का कहना है कि उन्हें इस दौरान कोई भी मेजर इशू नहीं मिला, यानी कहने का मतलब यह है कि इस मॉडिफाइड F-16 को 17 घंटे तक पूरी तरह से AI ने खुद ही उड़ाया है। लेकिन हाँ, आपको ये भी क्लियर कर दें कि इस फ्लाइट टेस्ट के दौरान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एयरक्राफ्ट के अंदर पायलट था ही नहीं, बल्कि पायलट इसके अंदर ऑलरेडी प्लेस किया गया था लेकिन वो सेफ्टी के तौर पर था ताकि अगर स्थिति कुछ खराब होती है तो पायलट एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर ले। इसके अलावा आज गुरुवार को चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने लॉकहीड मार्टिन कॉर्प और रेथियन टेक्नोलॉजीज कॉर्प इन दोनों कंपनीज पर ताइवान को हथियार सेल करने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया और चीन द्वारा इन दोनों कंपनीज को अनरिलायबल एंटिटीज की लिस्ट में शामिल किया गया और ये दोनों ही US की मेजर डिफेंस फर्म्स में आती हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये भी सामने आया है कि पेशावर जा रही पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में आज एक और ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट में 2 लोगों के जान जाने की खबर है जबकि 9 के आसपास घायल भी हुए हैं। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिलहाल अभी पाकिस्तानी ऑफिशियल की तरफ से ऐसा कोई भी कमेंट देखने को नहीं मिला है जिसमें इस ब्लास्ट के पीछे का रीजन बताया गया हो, लेकिन पाकिस्तानी ऑफिशियल ने इसके पीछे आतंकी घटना से भी इनकार नहीं किया। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इस्लामाबाद में चीन द्वारा उनके कौंसुलर सेक्शन को क्लोज करने के ठीक एक दिन बाद ये घटना हुई है, जबकि चीन ने इस तरह की घटनाओं को लेकर पाकिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों को चेतावनी भी दी थी कि वे अब और भी सावधान होकर रहें। बाकी पाकिस्तान की शानदार आर्थिक स्थिति के बारे में तो आप सभी को पता ही है, तो इस बीच आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से एक ट्वीट किया गया कि वे आज टर्की के लिए रवाना हो रहे हैं जो कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से टर्कीज ब्रदर्स और सिस्टर्स के लिए एक सपोर्ट है। बाकी एक तरफ जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ट्रिप पर हैं तो वहीं अभी हाल ही में पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट की तरफ से एक बयान देखने को मिला कि पाकिस्तान की सरकार को अपने लोगों के संकट को कम करने के लिए भारत के साथ व्यापार को फिर से रिवाइव करना चाहिए। और वैसे भी पाकिस्तान में महंगाई कितनी बढ़ चुकी है तो आपको पता ही है कि वहां पे स्पीड के लाइट से जो घी है उसकी कीमत 600 अरब पर केजी पहुंच गई है और ये दावा हमने कर रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2019 में नौशहरा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर चित्रेश सिंह बिष्ट ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2010 में वेस्ट बंगाल में हुए MiG-27 क्रैश में विंग कमांडर ओडी एब्रियू ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन 1994 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार श्री चंद यादव भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2008 में असिस्टेंट कमांडेंट प्रमोद किया सतपथी और 1945 में जिमीदार प्रकाश सिंह ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। ओके, आपके लिए आज का प्रश्न है कि धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी की तरफ से कौन सी रेजिमेंट के ट्रूप्स गए हैं।
समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।